तीसरे नंबर पर आती हैं। देखो नंबर थ्री, तीसरे नंबर पर जो हम गेम पढ़ रहे हैं या गेम्स को सॉल्व करने का जो मेथड चल रहे हैं, डोमिनेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टीज या डोमिनेंस प्रिंसिपल, डोमिनेंस प्रिंसिपल, डोमिनेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो डोमिनेंट प्रिंसिपल के अंदर हमें क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए, और इसको क्या काम में लेते हैं हम, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल या बाय यूजिंग इट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ ए गेम। ठीक है, तो डोमिनेंस प्रिंसिपल की सहायता से आप जो भी मैट्रिक्स गेम आपको दे रखा है, जो भी रेक्टेंगुलर गेम आपको दे रखा है, उसका जो साइज अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि साइज अगर रिड्यूस भाई, और साथ ही जो गेम है, सबसे पहला काम तो आपको ये है कि सैडल पॉइंट देखना है। सैडल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 2x2 का गेम है तो भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर का गेम है, सपोज 4x5 का गेम है कोई भी, और उसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं 2x2 में, ये हम कोशिश करेंगे। अगर 2x2 में हम उसको रिड्यूस कर पाए, इसका मतलब फिर वहां पर डोमिनेंस उस गेम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो सेकंड मेथड करवाया है। तो किसी भी गेम को रिड्यूस करते हैं, अगर उसका ऑर्डर रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टीज काम में लेते हैं। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टीज के तीन रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने। फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट, सपोज सपोज एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ आयथ रो, सपोज एलिमेंट्स ऑफ आयथ रो, तो आयथ रो को मैं लिख रहा हूं ए आई जे से, ए आई जे से। ठीक है, सपोज आयथ रो है मेरे पास, ये ए आई जे, ठीक है, या आरथ रो लिख देता हूं मैं, आरथ रो। ठीक है, तो ए आर जे, ए आर जे, तो कॉलम तो मैंने फिक्स रखा है, ठीक है, या कॉलम तो अपना कौन सा, जे, और आरथ रो में ले रहा हूं, तो आरथ रो का मतलब है आर वेरी करेगा, यहां पर जे फिक्स रहेगा आपका, तो ए आर जे अगर आरथ रो है, सपोज एलिमेंट्स ऑफ आरथ रो ए आर जे, आर आर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ सपोज एसेथ रो जिसको मैं लिख रहा हूं ए एस जे से, ए एस जे। ठीक है, तो अगेन कॉलम तो फिक्स है और चेंज क्या हो रही है, रो। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए आर जे लेस देन और इक्वल टू ए एस जे, इस तरह से है। ठीक है, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है, ध्यान रहे आपको यहां पर, यानी कि ए वन जे लेस देन इक्वल टू किसके होगा, अगर इसका जो करस्पोंडिंग एलिमेंट मैं लूंगा तो इसको मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं बी लिख देता हूं, बी एस जे, बी एस जे। तो जे कॉलम तो यहां पर फिक्स है, रो इसमें देखो चेंज हो रही है, आर इक्वल टू वन लेंगे तो ए वन जे बनेगा, फिर करस्पोंडिंग एलिमेंट बी वन जे बनेगा, इसका एलिमेंट ए टू जे लोगे तो इसका क्या लोगे आप, बी टू जे लोगे, एंड सो ऑन। कॉलम आपका फिक्स है, चेंज क्या हो रही है यहां पर, रो हो रही है। ठीक है, चेंज हम किसको कर रहे हैं, रोज को, यानी कि जो आरथ रो हमारी होगी, आरथ रो, ठीक है, तो ए आर जे किस तरह से लिख रहे हो आप भाई, अगर ए आर जे लिखोगे आप, ए आर जे, ए आर जे, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर जे के अंदर अगर मैं आर को वेरी करूं सपोज, तो पहला एलिमेंट ए वन जे बनेगा, फिर दूसरा ए टू जे बनेगा, ठीक है, ए टू जे, तो फिर इसके कॉलम बनेगा ये तो, ठीक है, अगर आर को मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या बनेगा, ये कॉलम बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है, ये कॉलम, क्योंकि कॉलम फिक्स हो गया ये, तो इसमें एक काम करो आप, सपोज एलिमेंट ऑफ आरथ रो, आरथ रो, तो आरथ रो का मतलब है
कि रो मैट्रिक्स बननी चाहिए आपकी, तो कॉलम आपका फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आरएथ रो मैंने ले लिया यहाँ पर एआरजे, ठीक है, और एसएथ रो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर बीएसजे, ठीक है। तो आरएथ रो के एलिमेंट्स अगर आप देखें और एसएथ रो के एलिमेंट्स देखें, उनमें मैं यहाँ पर कंपैरिजन क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई एक रो के एलिमेंट्स यानी कि ए आर जे क्या आ रहे हैं लेस देन इक्वल टू बी एस जे, ए आर जे क्या है लेस देन इक्वल टू बी एस जे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि जो आरथ रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, आरवी रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे थ्रो है, उसके एलिमेंट्स से क्या आ रहे हैं लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं, तब आप क्या लिखोगे देन एसेथ रो विल बी डोमिनेटेड रो, और आरेथ रो विल बी डिलीटेड रो, आरएथ रो विल बी डिलीटेड रो, ठीक है। तो ये तो रो के लिए आपने एक कंडीशन लगा दी, क्योंकि डोमिनेंस प्रॉपर्टीज में या तो किसी रो को आप एलिमिनेट करोगे या फिर किसी कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, तो इस तरह से आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पर देखो आप, तो थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये लग रहा हो, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो मैंने क्या ले ली आरथ रो, तो आरथ रो को तो मैं से किससे डिनोट कर रहा हूँ ए आर जे से, ठीक है, और एसएथ रो को मैंने किससे डिनोट कर दिया बी एस जे से। मैं ये कह रहा हूँ कि आरथ रो का हर एक एलिमेंट, आरथ रो का हर एक एलिमेंट क्या आ रहा है अगर लेस देन इक्वल टू एसएथ रो के करस्पोंडिंग एलिमेंट, हर एक नहीं करस्पोंडिंग एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट उस रो के एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है, दूसरा एलिमेंट उस रो के एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है, तब जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर जो आ रही है बी एस जे वो क्या कहलाएगा डोमिनेटेड रो कहलाएगा, डोमिनेटेड रो है जिसको रखना है हमें, जिसको रखना है, ठीक है। और इसमें जो लेस देन इक्वल टू पर जो रो आ रही है उसको हमें क्या करना है डिलीट करना है, डिलीट का मतलब है उसको हमें हटा देना है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है हटा देना है। तो कोई भी दो रोज हैं जो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही हैं कि एक रो के सारे एलिमेंट दूसरी रो के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स से लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं, उस केस में जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर जो रो आ रही है उसको तो आपको रखना है और दूसरी रो को क्या कर देना है वहां से हटा देना है। इस वजह इस तरह से आप उस मैट्रिक्स गेम का जो ऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है सेकेंड सपोज एलिमेंट्स ऑफ आरथ कॉलम, अब आरथ जरूरी नहीं है वही हो दूसरा, आरथ कॉलम को मैं क्या लिख रहा हूं सपोज ए आई आर से, ठीक है, आर लेस देन और इक्वल टू करस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एसेथ कॉलम, इसका मतलब ए आई एस, यानी कि कोई भी कॉलम है उसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स करस्पोंडिंग एलिमेंट से क्या आ रहे हैं लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं, उस केस में जो आरथ कॉलम होगा वो कौन सा होगा और जो एसएथ कॉलम होगा वो क्या होगा। इस केस में क्या होगा, जो आरथ कॉलम है ये तो क्या होगा डोमिनेटेड का मतलब है जिसे रखना है, और एसएथ कॉलम क्या होगा डिलीटेड, ठीक है। तो यहां उल्टा हो गया, रोज में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो वाली रो है वो आपको रखनी है, जबकि कॉलम्स में कौन सा रखना है जो लेस देन इक्वल टू आ रहा है वो वाला रखना है, ठीक है। ये तो ये रोज और कॉलम्स के रूल है, इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो। एक रूल और इसमें आप नोट कर लीजिए, रूल नंबर 3,
थर्ड नंबर थर्ड, सपोज कोई भी दो रोज अगर हम लें, कोई भी दो रोज, ठीक है, सबसे पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूं, रोज के लिए। सपोज दो रोज मैंने ले ली, एक तो ए आर जे, ए आर जे, ठीक है, और दूसरी है बी आर जे, और इन दोनों रोज का सपोज मैंने क्या निकाला, एवरेज निकाला, क्या फाइंड किया, एवरेज। और ये एवरेज सपोज क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसी तीसरी करस्पोंडिंग रो से, तो सी, ठीक है, ए आर जे, और ये हो गया सपोज बी एस जे, और ये सपोज आ रहा है सी पी जे, सी पी जे, इस तरह से, ठीक है। यानी कि क्या ले रहे हैं यहां पर अपन, आरिथ रो में ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, आरिथ रो ले रहा हूं यहां पर, आरवी रो, यानी कि वेरी कौन करेगा यहां पर, जे, जे यहां पर वेरी करेगा, आर वन, ए आर वन पहला एलिमेंट है, ए आर टू दूसरा एलिमेंट है, ए आर थ्री तीसरा एलिमेंट है, एंड सो ऑन, तो रो बन जाएगी। इसी तरह से यहां पर जे को वेरी करवाओगे तो एक रो ये बन जाएगी, यहां पर जे को वेरी करवाओगे, ठीक है, तो जे को आप वेरी करवा रहे हो, वन टू अप टू एंड सो ऑन, तो यहां पर ये रोज बन रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर दो रोज का एवरेज मैंने लिया, क्या लिया, एवरेज, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रहा है, तीसरी रो के करस्पोंडिंग एलिमेंट से, उस केस में ये वाली जो रो होगी यहां पर, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, दिस रो विल बी डिलीटेड, दिस रो विल बी डिलीटेड। इन दोनों का एवरेज अगर इससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तब जो लेस देन इक्वल टू वाली रो बन रही है, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। एक ये है इसके अंदर। फोर्थ नंबर पर इसी तरह से आप कॉलम्स के लिए लिख सकते हैं। नंबर फोर, नंबर फोर अगर कॉलम्स के लिए मैं लिखूं इसी टाइप का रूल, फोर कॉलम्स क्या बनेगा, सपोज एक कॉलम तो मैंने ले लिया क्या, ए आई आर, ठीक है, और प्लस बी एस या बी आई एस, और अपॉन टू सपोज क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है सपोज सी सी और आई पी, सी आई पी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर किसको वेरी कर रहा हूं, आई को, तो आई इक्वल टू वन टू अप टू एंड सोन। जब आई को आप वेरी करोगे तो ए वन आर, ए टू आर एंड सोन, ये कॉलम बनेगा। इसी तरह से आई को वेरी करेंगे तो ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो कॉलम्स का एवरेज किसी तीसरे कॉलम के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स से लेस देन इक्वल टू आ रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, इस कॉलम को क्या कर दोगे, आप डिलीट कर दोगे, दिस कॉलम विल बी डिलीटेड, दिस कॉलम विल बी डिलीटेड, ओके। तो कॉलम्स के लिए तो किसको डिलीट करना है आपको, जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर आ रहा है, ठीक है, और रोज में क्या करना है, किसको डिलीट करना है, जो लेस देन इक्वल टू पर आ रहा है। इसका मतलब जो डोमिनेटेड होंगे, रोज में तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रखना है आपको, डोमिनेटेड होगा, और कॉलम्स में लेस देन इक्वल टू वाला आपको रखना है, वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू वाला क्या होगा, डोमिनेटेड होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हम दी गए रेक्टेंगुलर गेम का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर साइज रिड्यूस करने की स्थिति में हमें, उस केस में हम उस गेम का क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं, फिर उससे हम इसको करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, सोल्व द गेम गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज, हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज। तो एक गेम है जिसको हमें सोल्व करना है, जिसकी पे ऑफ मैट्रिक्स हमें दे रखी है इस तरह से, माइनस वन, माइनस टू, एट, सेवन, फाइव, माइनस वन, सिक्स, जीरो, ट्वेल्व,
6012। ये आपको एक गेम दिया हुआ है, इस गेम को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि प्लेयर ए है यहाँ पर, जिसकी स्ट्रेटेजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, प्लेयर बी जिसकी स्ट्रेटेजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तरह से दे रखी है। इस गेम को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखें, इसमें सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम हम देखें, तो फर्स्ट रो का मिनिमम क्या आ रहा है, -2, सेकेंड रो का मिनिमम -1, थर्ड रो का मिनिमम 0, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम देखोगे तो 7 आ रहा है, सेकंड कॉलम का मैक्सिमम देखोगे तो 5 आ रहा है, और थर्ड कॉलम का मैक्सिमम देखोगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब ये गेम कैसा है, विदाउट सेडल पॉइंट, विदाउट सेडल पॉइंट है। तो विदाउट सेडल पॉइंट है तो क्या कहेंगे इस गेम को, मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक गेम कहलाएगा ये, ठीक है। अब सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि 2x2 का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन ये गेम तो 3x3 का है और ना ही इसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि क्या डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के इसका साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम देखना है। तो यहां से हम देखें, आप फर्स्ट वाली रो देखो, आप फर्स्ट वाली रो, ठीक है, फर्स्ट वाली रो, तो फर्स्ट वाली रो के अंदर क्या है, -1 देखो, फर्स्ट वाली रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो लेस देन इक्वल टू किसके आ रही है, थर्ड रो के, देखो आप आ रही है नहीं, करस्पोंडिंग एलिमेंट देखने हैं केवल आपको। तो -1 क्या है, लेस देन 6, -2 क्या है, लेस देन 0, और 8 क्या है, लेस देन 12, यानी कि थर्ड रो के सारे एलिमेंट, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहे हैं, किससे, फर्स्ट रो से। और जब रो की बात करेंगे तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डोमिनेट, क्या करते हैं, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब इसे तो हमें रखना है, और इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो डिलीट हो गई, फर्स्ट रो जैसे डिलीट हुई तो रिमेनिंग गेम क्या बचा अपना, देखो फर्स्ट रो तो डिलीट कर दी मैंने, अब ये बच गया मेरे पास 7, 5, -1 और 6, 0, 12, इतना बच गया केवल, ठीक है, ये गेम हमारे पास बच गया केवल। अब इसमें आप देखिए, तो फर्स्ट रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब यहां तो क्या आ रहा है, सेकंड, और यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, थर्ड, और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहां करस्पोंडिंग एलिमेंट देखें, 6 से बड़ा 7 है, 0 से बड़ा 5 है, लेकिन 12 से ग्रेटर देन नहीं आ रहा, तो अब रो के लिए आप वो रिड्यूस कर नहीं सकते। कॉलम्स में देखें, इसमें देखो आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, आप देखो 5 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, 0 आ रहा है, इधर 6, तो आप यहां से देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम जो आपका बन रहा है, फर्स्ट कॉलम क्या बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम के करस्पोंडिंग एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहे हैं किससे, सेकंड कॉलम से। तो जब कॉलम की बात होती है तो जो ग्रेटर देन पर आ रहा है, ग्रेटर देन पर वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रो में तो लेस देन वाला डिलीट होता है, कॉलम्स में ग्रेटर देन वाला डिलीट होता है, तो ग्रेटर देन वाला डिलीट हो गया आपका, यानी कि फाइनली गेम क्या बचा आपका, ये गेम बच गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये बचा मेरे पास 5, -1, 0 और 12। तो ये अपना जो फाइनल रिड्यूस्ड गेम आया वो मेरे पास आ गया। तो इधर तो क्या है, सेकंड, इधर क्या है, थर्ड, इधर भी क्या बचा मेरा, सेकंड, और इधर क्या आ रहा है, थर्ड। तो इनके अलावा जो बाकी स्ट्रेटेजी होंगी उनको चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से क्या निकाल सकते हो आप, सेकंड के लिए क्या होगा, x2, और थर्ड के लिए क्या होगा, x3, सेकंड के लिए क्या होगा, y2, और थर्ड के लिए क्या होगा, y3। अब इस गेम को जब आप सोल्व करोगे तो इस गेम की वैल्यू तो क्या होगी, गेम वैल्यू इक्वल टू कैसे निकालते हैं, 5 × 12 कर दिया आपने तो 60, और -0 अपॉन a11 + a22 करते हैं, यहां इन दोनों को ऐड किया तो 12 + 5 करेंगे तो 17, ठीक है, और माइनस इन दोनों को ऐड करें तो -1, तो -1 + 1, तो ये 60/18 आ रहा है, तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 10 जा और 6 3 जा, तो 10/3 इस पे क्या आ गई, वैल्यू ऑफ गेम आ गई। स्ट्रेटेजीज आपको देखनी है तो यहां से आप देख सकते हो कि x2 किसके इक्वल आ रहा है, x2। अब जो नहीं आ रहा है वो तो 0 है, जो नहीं आ रहा है वो तो क्या हो गया, 0, यानी x1 तो क्या हो गया, 0। x2 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, x2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 12 - 0,
12 माइनस 0 और अपॉन किसके आ रहा है 18 के, इसका मतलब क्या आ गया 12 अपॉन 18 करें तो 6 टू जा 12 और 3 जा ये आ गया, तो x1 आ गया, x2 आ गया। और आपको पता है कि इसकी तीन स्ट्रेटेजी होंगी x1 x2 x3, तो फॉर्मूला क्या बना ये होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू किसके होगा 1 के, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ x3 निकाल सकता हूँ। तो ये प्लेयर फर्स्ट या प्लेयर ए है जो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो जब आप फाइंड करोगे तो ये तो जीरो, एक टू बाई थ्री है तो x3 इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 बाई थ्री के, यानी कि ए प्लेयर जो है आपका उसकी स्ट्रेटेजीज क्या हो गई x1 तो जीरो, x2 क्या आ गया 2 बाई थ्री, x3 क्या आ गया 1 बाई थ्री। इसी तरह से आप जो दूसरा प्लेयर है प्लेयर बी उसकी स्ट्रेटेजीज भी कौन सी स्ट्रेटेजी वो चूज करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी अब आप बता सकते हो, क्योंकि 2x2 में कन्वर्ट हो गया, 2x2 में कन्वर्ट होते ही पहले हम कर चुके हैं वो फॉर्मूला हम सीधा अप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ गेम मेरे पास आ गया और प्लेयर्स किस स्ट्रेटेजी को चूज करेगा उसकी क्या आ गई मेरे पास प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो गेम वैल्यू आ गई 10/3 एंड दिस आ गया समझ में। और एक प्रॉब्लम अपन लेते हैं इसमें, नेक्स्ट लिखो एक और क्वेश्चन इसमें, ये सपोज गेम दे रखा है आपको, थ्री टू फोर जीरो, थ्री फोर टू फोर, फोर टू फोर जीरो, जीरो फोर जीरो एट, ये गेम दे रखा है इसको आपको सोल्व करना है। तो यहां पर वही प्लेयर ए है आपके पास जिसकी स्ट्रेटेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इधर प्लेयर बी स्ट्रेटेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसका हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप देखो सेडल पॉइंट क्या है, सेडल पॉइंट किस तरह से निकालते हो आप, अगर मैं इसमें वैसे नहीं लिखूं तो सीधा देखो आप, फर्स्ट रो का मिनिमम क्या है जीरो, सेकंड रो का मिनिमम क्या है टू, थर्ड रो का मिनिमम क्या है जीरो, फोर्थ रो का मिनिमम क्या है जीरो, ठीक है। तो ये सब का मिनिमम ले लिया और इन सब का मैक्सिमम क्या हो गया, इन सब का मैक्सिमम क्या आ रहा है मेरे पास टू टू, ठीक है। तो मैक्स मिन वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है मेरे पास मैक्स मिन, मिनिमम जितने भी आए उन सब का मैक्सिमम क्या आ रहा है टू आ रहा है। अब मैं यहाँ पर देखूँ फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम क्या है फोर, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम क्या है फोर, थर्ड कॉलम का मैक्सिमम क्या है फोर और फोर्थ कॉलम का मैक्सिमम क्या है एट। अब इन सब का मिनिमम लेना, यानी कि जो मिनमैक्स वैल्यू आई मेरे पास, मिनमैक्स इक्वल टू किसके आई, मैक्सिमम जितने भी आए इन सब का मिनिमम फोर, तो मिनमैक्स और मैक्सिमम क्या आ रहे हैं आपके डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस गेम का सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या आप उसी तरह से सर्किल लगाकर और रेक्टेंगल जो अपना स्क्वायर है वो लगाकर भी चेक कर सकते हो। तो इस गेम का सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ना ही ये 2x2 का गेम है जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सको। तो हम कोशिश करेंगे इस गेम का साइज रिड्यूस करने का। अब साइज देखो कैसे रिड्यूस कर पाएंगे हम, यहां पर चेक करो कोई भी करस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहे हैं किसी रो में, जैसे फर्स्ट रो को अगर मैं देखूं यहां पर 3 4 2, आप देखिए एक तो फर्स्ट रो, एक तो क्या फर्स्ट रो और एक आप देखिए थर्ड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो में क्या रिलेशन आ रहा है आपका, ये तो फर्स्ट रो है आपकी, ठीक है, और ये आपकी क्या है थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में 3 है, 4 इससे बड़ा है, 2 सेम आ रहा है, 4 सेम आ रहा है, 0 सेम आ रहा है, इसका मतलब थर्ड रो के एलिमेंट क्या आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट रो से, थर्ड रो ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट रो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रोज में जो ग्रेटर देन वाला तो रखना है, तो फर्स्ट रो क्या हो गई आपकी डिलीट हो गई,
फर्स्ट रो हम क्या कर देंगे, डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया मैंने इस तरह से, चलो ये हटा दिया मैंने, ये फर्स्ट रो डिलीट हो गई, खत्म। अब केवल इतना बचा आपके पास ये, ठीक है। इसको आप किस तरह से देख सकते हो, अगर मैं कॉलम्स में देखूं, क्योंकि रोज में तो मुझे नहीं लगता कि फोर आ रहा है, थ्री से फोर, लेकिन ये फिर छोटा हो गया। फोर यहां से देखें, अगर दो का एवरेज भी मैं लूं किसी दो रोज का, तो फोर प्लस थ्री करें तो यहां पर जीरो से बड़ा जाएगा, फोर प्लस टू करें तो फिर यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो रोज में देख लिया, कॉलम्स में देखता हूं एक बार। कॉलम्स, कॉलम्स में किसको देखें, थ्री टू फोर फोर। देखो आप फिर से फर्स्ट और थर्ड कॉलम, एक तो फर्स्ट कॉलम और एक क्या है आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। ऊपर वाला नहीं देखना, ये तो हट चुका अब आपका, ठीक है। ऊपर वाला तो हट चुकी एक रो, तो केवल जो रिमेनिंग है उसमें देखना है। फर्स्ट कॉलम में थ्री है और थर्ड कॉलम में टू आ रहा है, फिर फोर इधर फोर आ रहा है, जीरो इधर जीरो, यानी कि फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड कॉलम, और कॉलम में क्या होगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर आएगा वो डिलीट होगा, ठीक है, डिलीटेड। रोज में तो लेस देन इक्वल टू वाला डिलीट होता है, कॉलम्स में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला डिलीट होता है, यानी कि फर्स्ट कॉलम आपका डिलीट हो गया। तो ये कॉलम भी आपने डिलीट कर दिया। अब ये बचा केवल आपके पास रिमेनिंग। अब जो रिमेनिंग बचा है उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आप, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रो का अगर मैं एवरेज लूं तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आ रहा है। अगर कॉलम्स में देखें आप, कॉलम्स के अंदर, तो कॉलम्स में फोर प्लस फोर करें या फोर प्लस टू, एवरेज फोर प्लस टू और इन दोनों का देखो आप। हाँ, रोज में भी आप कर सकते हो, रोज में थर्ड और फोर्थ रो का अगर मैं एवरेज लूं, देखो आप, थर्ड रो क्या कर रहा हूं प्लस में, क्या कर रहा हूं मैं फोर्थ रो, रोज के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रहे आपको, रोज। थर्ड और फोर्थ रो का मैं एवरेज ले रहा हूं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ रो का एवरेज। तो थर्ड और फोर्थ का जब एवरेज करेगा तो फोर प्लस टू यानी कि सिक्स अपॉन टू करेंगे तो थ्री आ गया, इधर टू आ जाएगा, और इधर एट प्लस जीरो अपॉन टू तो फोर, यानी कि थ्री टू फोर, जो कि सेकेंड रो से क्या है, लेस देन इक्वल टू, जो कि लेस देन इक्वल टू किससे आ रहा है, सेकेंड रो से, ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू क्या बन रहा है, सेकेंड रो, ग्रेटर देन इक्वल टू बनना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा तो उस एवरेज को हम रखें। थर्ड प्लस फोर्थ का अगर मैं लूं, थर्ड प्लस फोर्थ रो का, तो थ्री आ रहा है, और प्लस फोर प्लस जीरो किया तो टू, और यहां पर फोर तो थ्री, सेकेंड रो ग्रेटर देन इक्वल टू पर जा रही है, तो फिर तो सेकेंड रो आपकी डोमिनेटेड हो जाएगी। और कॉलम्स में अगर हम देखें तो फोर प्लस फोर, फोर प्लस टू, हाँ कॉलम्स में देखते हैं, देखो कॉलम्स में देख रहा हूं एक बार, कॉलम्स में देखो आप, अगर फर्स्ट और थर्ड कॉलम में लूं इन दोनों का, या ये है सेकंड और थर्ड कॉलम का एवरेज, तो सॉरी थर्ड और फोर्थ का, थर्ड और फोर्थ का एवरेज, फोर प्लस टू बाई टू करेंगे तो थ्री, यहां से क्या आएगा टू, यहां से क्या आएगा फोर, यानी कि सेकंड वो थर्ड और फोर्थ कॉलम का एवरेज क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू सेकंड कॉलम से, लेस देन इक्वल टू सेकंड कॉलम से। तो कॉलम्स के लिए चीज ट्रू हो रही है, आप देखो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का अगर आप एवरेज लो तो यहां पर टू और फोर का एवरेज थ्री आएगा, फोर प्लस जीरो टू आएगा, जीरो प्लस एट फोर आएगा, ठीक है, तो थ्री टू फोर आ रहा है। तो आप देख रहे हो सेकंड वाला कॉलम इससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, सेकंड वाला कॉलम इससे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो कॉलम्स के केस में क्या करते हैं, जो ग्रेटर देन इक्वल टू पर आता है, ग्रेटर देन पर, उसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, डिलीटेड, ठीक है। तो सेकंड कॉलम भी आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये कॉलम हमारा डिलीट हो गया, ये कॉलम। अब आप रोज पर आते हैं वापस, रोज के अंदर देखें तो रोज में आप देख सकते हो कि थर्ड और फोर्थ रो का अगर मैं एवरेज लूं, थर्ड प्लस फोर्थ और अपॉन टू करूं, तब ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, सेकंड लिख सकता हूं,
देखो रोज के लिए थर्ड और फोर्थ का एवरेज क्या आएगा, यहां पर टू आएगा, यहां पर फोर आएगा, तो सेम आ गया, तो सेम आ गया, तो इक्वल टू तो रह गई, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकता हूं क्योंकि मुझे टू क्रॉस टू में करना है कन्वर्ट, ठीक है। तो ये अगर मैंने लिखा तो अब यहां पर ये मेरा क्या बन गया, यहां पर ये रहेगा, और सेकेंड रो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, सेकेंड रो क्या हो गई, डिलीट। तो सेकेंड रो को आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये भी हट गया। तो फाइनली जो गेम बचा केवल ये बचा, थर्ड और फोर्थ वाले बचे आपके, ये अपना गेम किस में कन्वर्ट हो गया, टू क्रॉस टू में, ये आ गया फोर जीरो जीरो और एट। तो यहाँ पर ये थर्ड स्ट्रेटेजी है, ये फोर्थ है, यहाँ पर इसी तरह से ये थर्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ है। तो थर्ड के लिए क्या लेंगे हम, एक्स थ्री, फोर्थ के लिए एक्स फोर, यहाँ पर वाई थ्री और यहाँ पर वाई फोर। अब आप गेम की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, और जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस जीरो अपॉन अपॉन 4 + 8 करेंगे तो 12, और माइनस क्या आ जाएगा, 0 + 0, यानी कि गेम वैल्यू ये आ गई अपने पास। तो ये 4 से तो 4 8 जा और 4 3 जा। ये तो क्या आ गई वैल्यू ऑफ गेम, बेस्ट स्ट्रेटेजीज आप फाइंड कर सकते हो। एक्स थ्री अगर आपको निकालना है तो एक्स थ्री आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, एक्स थ्री इक्वल टू किसके भाई, एक्स वन एक्स टू तो है ही नहीं यहां पर, तो एक्स वन तो क्या हो गया आपका जीरो, एक्स टू क्या हो गया जीरो, अब क्या फाइंड करेंगे हम एक्स थ्री, एक्स थ्री इससे इस रो को कवर कर दिया आपने, तो यहां 8 - 0 तो 8 - 0 अपॉन डिनोमिनेटर पर क्या आ रहा है 12, यानी एक्स थ्री कितना आ गया हमारा 2 बाई 3, तो एक्स फोर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इक्वल टू 1 के होगा, तो एक्स फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 3। इसका मतलब ए प्लेयर के लिए जो स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी होगी चूज करने की, 0 0, ठीक है, 2 बाई 3 और 1 बाई 3, ये ए प्लेयर की होगी। इसी तरह से आप किसके लिख सकते हो, प्लेयर बी के लिए लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टीज, कि आप कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर ज़्यादा है, हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम 2 क्रॉस 2 में क्या करें, कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 के गेम्स को सोल्व करने का मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए उस मेथड को यहाँ पर फिर हम अप्लाई कर सकते हैं।